एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर अलीसा को स्कूल जाते हुए देखते हैं और इसी का निकनेम आलिया है। इसकी एलिगेंट ब्यूटी, स्मार्टनेस और क्यूटनेस के तो सब दीवाने थे और ये स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर भी है। और इसकी बड़ी बहन मारिया इसी हाई स्कूल में सेकेंड ईयर में थी और सेकेंड ईयर का एक लड़का एंडो, जिसने मारिया से अलीसा के बारे में बहुत कुछ सुना था, वो अलीसा के सामने जाकर उसे साथ में लंच के लिए इनवाइट करता है, पर अलीसा मना कर देती है और एंडो का सबके सामने पोपट हो जाता है। अलीसा उसके गले में चेन देखती है और जाते हुए कहती है ये रूल के खिलाफ है। और लड़के सोच रहे थे एंडो लड़कियों में बहुत फेमस है, पर अलीसा ने इसे भी मना कर दिया। पता नहीं इसका स्टैंडर्ड कितना हाई होगा। फिर अलीसा क्लासरूम में जाती है जहां हमारा मेन मेल कैरेक्टर मासाची का सो रहा था। अलीसा उसे गुड मॉर्निंग कहती है, पर जब वो नहीं उठता तो वो उसकी चेयर पे लात मारती है, जिससे मासाची का गिरता गिरता बचता है, पर उसकी नींद तो खुली जाती है। अलीसा कहते तुम फिर दोबारा देर रात तक एनीमे देख रहे थे क्या? मासाची का हाँ कहता है। अलीसा कहते तुम नहीं सुधरोगे, एनीमे देखने के लिए नींद खराब करोगे तो स्कूल में तो नींद आएगी ही। मासाची का कहते हैं हाँ, पर एनीमे एक बजे ही खत्म हो गया था, वो तो मैं ओटाकू फ्रेंड के साथ फीडबैक शेयर करने में लगा हुआ था, इसीलिए लेट हो गया था। अलीसा कहते तुम बेवकूफ हो। मासाची का कहता है अगर अपने फेवरेट एनीमे को देखने के लिए नींद सैक्रिफाइस करना बेवकूफी है तो हाँ मैं हूँ बेवकूफ। फिर वो उपासी लेता है और अलीसा उसे रशियन में क्यूट कहती है। फिर मासाची का अपनी बुक्स देखता है, वो केमिस्ट्री की बुक लाना भूल गया था तो वो आलिया के साथ डेस्क ज्वाइन कर लेता है और पीरियड में वो सो गया था। अलीसा उसे पेन मारकर जगाती है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। टीचर को लगता है वो क्वेश्चन का आंसर देना चाहता था, पर मासाची का को तो क्वेश्चन भी नहीं पता था। अलीसा उसे आंसर बताती है पर वो गलत आंसर था, और जब अलीसा से पूछा जाता है तो वो सही आंसर बताती है और मासाची का को डांट पड़ती है। फिर वो अलीसा से कहता है गलत आंसर मत बताया करो। वो कहती है मैंने आंसर कब बताया, मैं तो क्वेश्चन नंबर बता रही थी। और वो उसे फिर दोबारा रशियन में क्यूट कहती है, पर उसके पूछने पे वो कहती है मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा। मासाची का को रशियन लैंग्वेज आती थी, वो सब समझ रहा था और उसके मुंह से क्यूट सुनकर वो ब्लश कर रहा था, पर अलीसा को पता नहीं था कि वो रशियन जानता है। वो रशियन में कहती है ये तो बच्चे की तरह ब्लश कर रहा है। और मासाची का मन में कहता है जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तो मेरे ग्रैंडपा के घर के पास एक रशियन लड़की रहती थी जिसके साथ मैं खेला करता था, मैंने उसी से रशियन सीखना स्टार्ट किया था और अब मुझे रशियन अच्छे से आती है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक रशियन ब्यूटी मेरे पास बैठेगी और अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए रशियन यूज करेगी। अगर मैंने उसे बताया कि मुझे सब समझ आता है तो वो सह नहीं पाएगी, मैं ये नहीं बता सकता। अब लंच ब्रेक में मासाची का फोन यूज कर रहा था। अलीसा कहते स्कूल में फोन यूज करना मना है, बस इमरजेंसी और एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मासाची का कहता है हाँ तो इमरजेंसी तो है, 10 मिनट में फ्री कार्ड पाने का टाइम खत्म हो जाएगा। और उसे SSR रैंक की कैरेक्टर मिलती है जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अलीसा उसका फोन लेकर देखती है, उस लड़की के बाल ब्लैक होने की जगह सिल्वर थे। मासाची का कहता है छोड़ो भी, वो क्यूट लग रही है, यही काफी है। अलीसा गुस्से से उसे फोन वापस करती है और रशियन में कहती है मेरे भी तो सिल्वर हेयर है। मासाची का ब्लश करने लगता है। अगले सीन में वो कैफेटेरिया में अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। फिर वहाँ अलीसा, मारिया और यूकी आती है और तीनों ही स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर्स थी और तीनों ही बहुत सुंदर भी थी। और हमें पता चलता है अलीसा की बड़ी बहन मारिया हर प्रपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर देती थी कि उसका बॉयफ्रेंड है। मासाची का कहता है उसका बॉयफ्रेंड हो या ना हो ताकेशी का कोई चांस नहीं है। ताकेशी कहता है अलीसा के दोस्त बनकर तुम उड़ने लगे हो, मैं तुमसे जेलस हूँ, तुम तो उसे निकनेम से भी बुलाते हो। मासाची का कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसे परेशान करता रहता हूँ। ताकेशी कहता है इग्नोर होने से तो यही बेटर है, वो कम से कम तुमसे बात तो करती है, दूसरों से तो वो बात तक नहीं करती। फिर यूकी खाना लेकर बैठने की जगह ढूंढ रही थी, उसे मासाची का दिखता है तो वो उसके पास आ जाती है। अलीसा भी उन्हें ज्वाइन करती है और यूकी मासाची का से खाने के बारे में बातें कर रही थी। उनको इतना क्लोज देखकर अलीसा खुश नहीं दिख रही थी, वो पूछती है क्या तुम दोनों क्लोज हो। यूकी कहती है हम बचपन से दोस्त हैं, हम किंडरगार्टन से सेम ही स्कूल में हैं। फिर मासाची का यूकी से पूछता है क्या अलीसा और वो क्लोज फ्रेंड्स हैं। यूकी कहती है नहीं, हमें मिले कुछ ही टाइम हुआ है, पर मैं अलीसा की दोस्त बनना चाहती हूँ। और मासाची का के दोस्त कहते हैं उनका लंच हो गया है और वो चले जाते हैं, पर ये सिर्फ उनका एक बहाना था क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल लड़कियों के सामने वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उनके जाने के बाद यूकी मासाची का को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने को कहती है, पर वो मना कर देता है। यूकी कहती है अगर तुम ज्वाइन होगे तो तुम अलीसा और मेरे साथ रह पाओगे, और पहले भी तो तुम वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो। अलीसा सरप्राइज हो जाती है। यूकी बताती है मिडिल स्कूल में मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी और मासाची का वाइस प्रेसिडेंट। मासाची का कहता है वो तो यूकी ने कहा था इसीलिए मैं ज्वाइन हुआ था, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट
और वाइस प्रेसिडेंट को टीम अप करना होता था, इसीलिए मुझे हेल्प करनी पड़ी। यूकी कहती है इसे देखकर लगता नहीं है, पर जब जरूरत होती है तो ये बहुत काम आता है। अलीशा रशियन में कहती है जैसे मुझे पता ही नहीं है। अब लंच के बाद यूकी चली जाती है और अलीशा मासाचिका से कहती है मैं सरप्राइज हूँ, मुझे लगा था तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। मासाचिका कहता है एक तो सामने ही खड़ी है। अलीशा कहती है हम फ्रेंड्स हैं, वो हाँ कहता है। अलीशा कहते है मुझे काम याद आ गया है और वो चली जाती है, पर एक्चुअली में वो अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इसीलिए वो चली गई थी। अब रात में मासाचिका को चाइल्डहुड का सपना आता है, वो उसी रशियन लड़की के साथ सनसेट देख रहा था जिसकी वजह से उसने रशियन सीखना स्टार्ट किया था क्योंकि वो उससे बातें करना चाहता था, पर अब उसे उसका नाम तक याद नहीं है। और क्योंकि उसकी नींद जल्दी खुल गई थी तो वो जल्दी स्कूल चला जाता है और आज अलीशा और उसकी ही ड्यूटी थी और अलीशा के आने से पहले ही वो क्लास को चकाचक कर देता है। जब अलीशा आती है तो वो उसके जल्दी उठने से सरप्राइज हो चुकी थी। मासाचिका नोटिस करता है उसके सॉक्स गंदे हो चुके थे, वो कहता तुमने कीचड़ में पैर रख दिया था क्या। अलीशा कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ये एक ट्रक की वजह से हुआ है, पर मेरे लॉकर में दूसरे सॉक्स पड़े हुए हैं तो काम चल जाएगा। फिर वो कहती है तुम यूकी के साथ मिडिल स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल में थे ना, तो क्या तुम इस बार ज्वाइन नहीं करोगे। वो कहता है नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अलीशा कहने जा रही थी कि वो चाहती है वो ज्वाइन करे पर वो नहीं कहती। फिर वो अपने सॉक्स उतारती है और मासाचिका को देखती है, वो कहीं और देखने लगा था और अलीशा को उसे छेड़ने का मौका मिल जाता है। वो उसे लॉकर से उसके सॉक्स देने को कहती है। मासाचिका शॉक हो जाता है और जब मासाचिका लेकर आता है तो वो उसे पहनाने को कहती है। मासाचिका कहते तुम पागल हो गई हो क्या। अलीशा कहती है तुम लेकर आए तो ऐसा थैंक्स के बदले मैं तुम्हें थोड़ी सी ट्रीट दे रही हूँ, और वो रशियन में कहती है ये मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ। मासाचिका सोचता है ये रशियन में अपना अफेक्शन क्यों शो करती है। अलीशा कहती है क्या सोचने लगे। वो कहता है अभी तुमने क्या कहा था। अलीशा कहती है तुम कायर हो, मुझे दो मैं खुद ही पहन लेती हूँ। मासाचिका कहता है कोई जरूरत नहीं है मैं पहनाता हूँ। वो उसका पैर पकड़ता है और उसे सॉक्स पहनाता है। अलीशा इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, वो शर्मा रही थी और सॉक्स पहनाते हुए मासाचिका का हाथ स्लिप होकर उसके लेग्स के बीच में लग जाता है और अलीशा उसे लात मार देती है और मासाचिका को उसकी पैंटी दिख जाती है। और जब मासाचिका उससे माफी मांगने जाता है तो अलीशा उसे रशियन में परवर्ट कहती है। फिर मासाचिका माफी मांगता है, अलीशा कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, और वो भी उसे लात मारने के लिए सॉरी कहती है। मासाचिका कहता है मैं ठीक हूँ। अलीशा उसकी गर्दन चेक करने के लिए उसे टच करने वाली थी पर मासाचिका जल्दी से पीछे हट जाता है और गलती से उसके मुंह से निकल जाता है मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, मुझे तुम्हारी स्कर्ट के नीचे दिख गया था। अलीशा एम्बेरस हो रही थी। मासाचिका उस व्यू के लिए उसे थैंक्स कहता है। अलीशा उसे पंच करके भागने लगती है। मासाचिका उसका पीछा करता है। करीब 10 मिनट के बाद जाकर वो रुकते हैं और मासाचिका फिर माफी मांगता है। अलीशा कहती है सारी गलती तुम्हारी नहीं थी। मासाचिका उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक देता है। अलीशा प्यास का बहाना बनाकर ले लेती है और एक घुट पीकर रशियन में कहती है तुम पीना चाहोगे। मासाचिका सोचता है अगर मैंने हाँ कहा तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगी और फिर वो पूछता है अभी तुमने क्या कहा। अलीशा कहती है मेहनत करने के बाद ड्रिंक और भी स्वीट लगती है और फिर वो खुश होकर रशियन में कहती है इसे कुछ समझ नहीं आता, पर उसे थोड़े ना पता था। मासाचिका को सब समझ आता है। अब अगले दिन यूकी स्टोरेज रूम में काम कर रही थी और उसने मासाचिका को हेल्प के लिए बुलाया था, पर वो लेट आता है। यूकी कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। मासाचिका कहते है सॉरी क्या मैंने तुम्हें वेट कराया। वो कुछ ऐसे ही कहता है और यूकी कहती है हाँ हाँ, और आलिया भी वहीं पे थी। वो कहते तुम दोनों तो बहुत क्लोज लग रहे हो। मासाचिका के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ हो। आलिया कहती है कबाब में हड्डी बनने के लिए सॉरी। फिर वो सब सामान एडजस्ट करते हैं। यूकी मासाचिका से ऊपर के शेल्फ से बोर्ड गेम उतारने को कहती है और उसपे कार्ड्स भी थे। वो बताती है इसका यूज स्कूल फेस्टिवल के इवेंट्स में होता है और हमने स्टूडेंट काउंसिल के गेट टुगेदर में भी ये खेला था। मासाचिका कहता है कौन जीता था। यूकी कहती है मैं। तभी आलिया कहती है बातें कम काम ज्यादा। दोनों सॉरी कहकर काम में लग जाते हैं और आलिया रशियन में कहती है मुझे भी अटेंशन दिया करो। वो प्रे करने लगती है मेरे पास आओ मेरे पास आओ, और मासाचिका को शर्म आ रही थी। अब स्टोरेज रूम का काम फिनिश होने के बाद आलिया और यूकी मासाचिका को थैंक्स कहती है। तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट केंजाकी आता है। यूकी बताती है काम हो गया है। केंजाकी उनके काम करने की स्पीड से सरप्राइज हो जाता है। यूकी कहती है मासाचिका ने हमारी हेल्प करी। केंजाकी मासाचिका से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मासाचिका थैंक्स कहकर जाने लगता है। केंजाकी कहता है तुमने हमारी हेल्प करी है, अगर तुम खाली हाथ जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
वो उसे डिनर ऑफर करता है पर मासाची का मना कर देता है। तभी यूकी कहती है, तुम मना क्यों कर रही हो, जब तुम घर जाओगे तो वैसे भी डिनर रेडी नहीं मिलेगा। केंजाकी कहता है, तुम्हें कैसे पता। वो कहती है, मैं पहले भी इसके घर गई हुई हूँ तो मुझे पता है। केंजाकी आलिया और यूकी को भी डिनर पे इनवाइट करता है और वो सबको रॉयल फास्ट लेकर जाता है और मासाचीका से कहता है, मैं इम्प्रेस हूँ, वो काम कल से पहले नहीं होने वाला था। यूकी कहती है, वो लेबर वर्क और पेपर वर्क में बहुत अच्छा है। केंजाकी मासाचीका से पूछता है, क्या वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहता है। मासाचीका कहता है, नहीं, मैंने मिडिल स्कूल में ज्वाइन किया था, अब मेरा मन भर चुका है। केंजाकी कहता है, स्टूडेंट काउंसिल के लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है पर उन्हें बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इससे तुम्हें अच्छी रिकमेंडेशन मिलेगी। यूकी भी उसे ज्वाइन करने को कहती है जिससे वो साथ में काम कर सके। मासाचीका कहता है, मुझे नहीं करना और वैसे भी तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, अगली प्रेसिडेंट तो तुम ही बनने वाली हो। केंजाकी कहता है, ऐसा नहीं है, दूसरे कैंडिडेट भी हैं जैसे आलिया। मासाचीका आलिया से कंफर्म करता है। आलिया कहती है, हाँ, वो अगले साल प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ी होगी। फिर उनका ऑर्डर आता है और सब डिनर करके घर जाते हैं। यूकी और केंजाकी एक तरफ जाते हैं और आलिया और मासाचीका दूसरी तरफ। रास्ते में मासाचीका फिर कंफर्म करता है, क्या वो सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी। वो हाँ कहती है। अब मासाचीका घर पहुंचता है, उसके घर पे एक लड़की मांगा पड़ रही थी। वो कहती है, आलिया को घर छोड़ आए। मासाचीका कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़की कहती है, मैं आज यहीं रुकूंगी। मासाचीका कहता है, तुमने स्कूल में झूठ क्यों बोला कि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, और वो लड़की और कोई नहीं यूकी थी। वो कहती है, वो झूठ थोड़ी ना था, तुम्हें चाइल्डहुड फ्रेंड का मतलब भी पता है। मासाचीका कहता है, जो साथ साथ बड़े हुए हो। यूकी कहती है, बिल्कुल सही, इसमें सिबलिंग्स भी इंक्लूड होते हैं। और हमें पता चलता है यूकी मासाचीका की छोटी बहन है। फिर वो मांगा कंटिन्यू करती है, और उसमें हीरोइन के साथ उसका बड़ा भाई था और दोनों ने किस किया था। मासाचीका कहता है, वो स्टेप सिबलिंग्स होंगे। यूकी उसकी कॉलर पकड़ के कहती है, बेवकूफ, ये तभी ठीक होता है जब उनका खून का रिश्ता हो। अब अगले सुबह यूकी उसके ऊपर चढ़कर उसे उठाती है और उसे शॉपिंग पे ले जाती है, और वहां जाकर वो मूवी देखने जाना चाहती थी। मासाचीका उसे रोक कर कहता है, हमें शॉपिंग करनी है। अब यूकी कपड़े चॉइस कर रही थी। मासाचीका कहता है, सिर्फ मैंने ही आलिया को देखा या तुमने भी देखा है। वो कहती है, मैंने भी देखा है, मैंने तो उसे तुमसे बहुत पहले ही देख लिया था, जब हम इस फ्लोर पे आए थे तभी मैंने उसे देख लिया था, और आलिया छुप कर उन्हें ही देख रही थी। मासाचीका सोच रहा था, अब मैं क्या करूँ। तभी यूकी आलिया के पास चली जाती है, जिससे मासाचीका की ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। वो कहता है, क्या कोइंसिडेंस है। आलिया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। फिर वो कहती है, मैंने बस अभी अभी तुम्हें देखा। यूकी और मासाचीका मन में कहते हैं, झूठी कहीं की। आलिया भी शॉपिंग करने आई थी, और क्योंकि उसने भी लंच नहीं किया था तो यूकी उसे साथ में लंच पे चलने को कहती है। मासाचीका मना कर देता है। वो कहता है, हमें इसे उस जगह पे नहीं ले जाना चाहिए। आलिया कहती है, कोई प्रॉब्लम है क्या। यूकी कहती है, तुम स्पाइसी खाना खा लेती हो ना। आलिया हाँ कहती है। यूकी कहती है, हम ऐसे रेस्टोरेंट जा रहे हैं जहाँ स्पाइसी रोमेन मिलता है, अगर तुम स्पाइसी खा सकती हो तो हमारे साथ चलो। मासाचीका कहता है, वहाँ स्पाइसी नहीं सुपर स्पाइसी होता है। आलिया कहती है, मैं चलूंगी। मासाचीका कहता है, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मत आओ। आलिया कहती है, तुम्हें मेरे आने से प्रॉब्लम है क्या। मासाचीका कहता है, ऐसा नहीं है। फिर वो सब रेस्टोरेंट जाते हैं, और वहाँ रेस्टोरेंट से लेकर सारी डिशेज के नाम में हेल इंक्लूड था। उन्होंने हर डिश को अपना एक अलग नाम दिया हुआ था। आलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यूकी बताती है, पूल ऑफ ब्लड हेल सबसे कम स्पाइसी रोमेन है, और वहाँ सुपर और इनफाइनाइट स्पाइसी करके भी फूड था, और उनका स्पाइसीनेस तो नाम से ही पता चल रहा था। मासाचीका सबसे कम स्पाइसी वाला रोमेन ऑर्डर करता है क्योंकि आलिया का फर्स्ट टाइम था, और वो दोनों वही खा रहे थे तो यूकी भी सेम ही मंगवाती है। फिर आलिया यूकी से कहती है, तुमने लड़कों के कपड़े क्यों पहने हैं। यूकी कहती है, छुट्टी थी तो मैं अपने प्राइवेट टाइम में थोड़ा चेंज होना चाहती थी। आलिया मासाचीका को तिरछे नजरों से देखकर कहती है, प्राइवेट टाइम। यूकी उसे देख लेती है, वो उसे और छेड़ती है। वो कहती है, आज सुबह मैं मासाचीका के साथ बेड पे थी, और आज मैं अलग दिखना चाहती थी तो मैंने उसके कपड़े पहन लिए। आलिया मासाचीका से कहती है, ये सब क्या चल रहा है। मासाचीका कहता है, वो खुद ही सुबह मेरे घर आ गई थी और बेड पे चढ़ गई थी। फिर उनका ऑर्डर आता है, उसे देखकर आलिया के पसीने छूट रहे थे। वो हिम्मत करके टेस्ट करती है, उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी। मासाचीका कहता है, तुम ठीक तो हो। वो कहती है, हाँ, पर फिर वो रशियन में कहती है, हर्ट हो रहा है, बचा लो मम्मा। वो रोते हुए खा रही थी। मासाचीका कहता है, जबरदस्ती मत खाओ। आलिया कहते है, तुम क्या कह रही हो, ये अच्छा है। और यूकी उससे कंफर्म करती है, उसे डिलीशियस लग रहा है ना, और वो उसे एक लिक्विड देती है जो खाने को और स्पाइसी बना देता था। मासाचीका आलिया को उसे मिलाने से मना करता है, पर आलिया कहती है, थोड़ा सा डालने से मैं मर थोड़ी ना जाऊंगी। वो हल्का सा लिक्विड मिलाकर रोमन खाती है और वो चिल्ला उठती है। अगले सीन में मासाचीका और आलिया बाहर थे और यूकी को कुछ खरीदना था तो वो चली गई थी। मासाचीका को वहाँ आइसक्रीम दिखती है,
वो उसे खिलाने ले जाता है। आइसक्रीम से आलिया खुश हो जाती है। मासाची का पूछता है वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है। वो कहती है मैं बस बनना चाहती हूँ खुद को हाईर रैंक पे ले जाने के लिए, क्या मुझे रीजन देने की जरूरत है। मासाची का कहता है क्या तुमने अपना साथी चुना है। आलिया कहती है मुझे जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब कर लूंगी। मासा चिका कहता है ऐसा नहीं होता, ये रूल है, तुम्हें पेयर बनाना ही होगा। आलिया कहती है तो मैं किसी भी एक को ढूंढ लूंगी जो मुझे सपोर्ट करे। और फिर वो रशियन में कहती है काश वो तुम होते। और मासा चिका को पुरानी मेमोरी याद आ जाती है, एक लड़की अपनी मॉम से रोते हुए सॉरी कह रही थी और वो दूर से उसे देख रहा था। फिर आलिया उसे शॉपिंग पे चलने को कहती है। मासा चिका कहता है एक लड़का लड़की के लिए कपड़े चूज करेगा तो सबको लगेगा हम क्लोज रिलेशनशिप में है। आलिया कहते हैं सच में ऐसा होता है। मासा चिका मन में कहता है आलिया का कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ वो शॉपिंग पे जा सके, इसीलिए उसे इन चीजों के बारे में पता नहीं है और वो साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। अब कपड़े चूज करते हुए आलिया सोच रही थी ये अचानक से मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है, कहीं से ये तो नहीं लग रहा मेरा प्रेसिडेंट बनने का कोई चांस नहीं है। वो गुस्से में चेंज करने जाती है और कहती है बताना मैं कैसी लग रही हूँ। वो सोच रही थी वो अपने फैशन सेंस से उसके दिमाग का बल्ब फ्यूज कर देगी। फिर वो चेंज करके बाहर आ रही थी तभी वो सोचती है अगर उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। वो बाहर आती है और मासा चिका उसकी खुल के तारीफ करता है। वो कहता है ये तुम पे अच्छा लग रहा है, इससे तो तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। वो जिसे चौंकाना चाहती थी उसने उसे ही चौंका दिया था। वो वापस अंदर जाकर सोचने लगती है ये अभी अभी बाहर क्या हुआ। वो सोचती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे लड़कियों की तारीफ करना आता होगा। तभी उसके मन में आता है कहीं उसे तारीफ करने की आदत तो नहीं है। वो सोचती है यूकी का आउटफिट लड़कों वाला था और वो भी वैसा ही पहनकर आती है। मासा चिका फिर उसकी तारीफ करता है। आलिया बार बार चेंज करके आती है और मासा चिका हर बार उसकी तारीफ करता है। आलिया का मूड बहुत ही अच्छा हो गया था। अब वो एक मॉडर्न ड्रेस पहनकर बाहर आती है और यूकी को वहाँ देखकर उसका मूड खराब ही हो जाता है। वो दुनिया से गायब होना चाहती थी। अब अगले सीन में तीनों ट्रेन से घर जा रहे थे और मासा चिका और यूकी एक ही स्टेशन पे उतर जाते हैं और आलिया सोचती है ये दोनों एक ही स्टेशन पे क्यों उतरे। अब वो घर पहुंचती है और उसकी बड़ी बहन मारिया उसके गले लग जाती है और उसे आलिया का मूड ऑफ लग रहा था। वो इस बारे में उससे पूछती है पर आलिया कहती है कुछ भी नहीं हुआ। मारिया कहती है तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती, बताओ क्या हुआ है। आलिया बताती है कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं मासा चिका और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिली। मारिया कहती है उसकी बात आते तुम परेशान हो जाती हो, चलो कोई तो लड़का आया जो तुम्हारे दिल को छू रहा है। आलिया कहती है क्या मतलब। मारिया कहती है तुम उसे लाइक करती हो ना। आलिया कहती है क्या बकवास कर रही हो, हम दोनों के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है, हम तो बस दोस्त हैं। मारिया कहती है वैसे तुम दोस्त कैसे बने, तुम्हें तो उदास और आलसी लोगों से नफरत थी ना। आलिया कहती है हाँ थी तो, और वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। 6 साल पहले जब वो प्राइमरी स्कूल में थी तो टीचर ने उन्हें ग्रुप एक्टिविटी दी थी जिसमें उन्हें शॉप वालों से उनके काम के बारे में जानकर एक ऐसे लिखना था। आलिया ने बहुत मेहनत करी, वो शॉप पे विजिट किया करती थी, वहाँ काम करने वालों से बात करती थी, उनके बारे में जानकर ऐसे लिखती थी। पर उसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स आलसी थे, उन्हें मजे करना पसंद था, कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं। आलिया के समझाने पे भी वो नहीं माने पर फिर भी आलिया ने पूरी मेहनत करी। वो चाहती थी उनका ग्रुप जीते पर उसके ग्रुप मेट की वजह से उनका ग्रुप नहीं जीत सका और उस दिन से उसने सब कुछ अकेले करने का ही डिसाइड किया। फिर एक ट्रांसफर एग्जाम हुआ जो बहुत टफ होता था पर आलिया में टैलेंट की कमी थोड़ी ना थी, ये हम सब जानते हैं। तो वो सुपर टफ ट्रांसफर एग्जाम में भी पास हो गई और पहुंच गई जापान के स्कूल में जहां उसकी मुलाकात मासा चिका से हुई। आलिया ने उसे फर्स्ट टाइम देखा तब भी वो सो रहा था और उस टाइम भी उन दोनों की सीट एक दूसरे के साइड में ही थी, बिल्कुल आज की तरह उसने उसे जगाया था और इस तरह दोनों ने पहली बार एक दूसरे से बात करी थी। फिर साइंस के पीरियड में आलिया ने देखा मासा चिका अपनी बुक लाना भूल गया था और वो दोस्तों से बुक शेयर करने को कह रहा था। और फिर स्पोर्ट्स पीरियड में भी आलिया ने उसे सबसे आलसी पाया। फिर मैथ्स के पीरियड में भी वो सो रहा था और आलिया ने सोचा आलसी लोग हर जगह मिल जाते हैं, इस फेमस स्कूल में भी। फिर स्कूल फेस्ट आया और थीम था हॉन्टेड हाउस। स्कूल फेस्ट में पूरी क्लास को मिलकर काम करना होता था पर सबके एफर्ट्स को देखकर लग नहीं रहा था कि वो क्वालिटी वर्क कर पाएंगे और आलिया अपनी भूत की कॉस्ट्यूम बनाने के लिए छुट्टी के बाद भी देर तक रुककर कॉस्ट्यूम सिल रही थी। कुछ लड़कियों ने उसे घर चलने को कहा पर वो नहीं गई और वो लड़कियां बात करती हुई गई, स्कूल फेस्ट ही तो है, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। ये सुनकर और उन सबके एफर्ट्स देखकर आलिया को पहले जैसा ही फील हुआ कि वो अकेली है और तभी उसे छींक आई
और सुई उसके फिंगर में लग गई। ऑलरेडी 3 बार उसके हाथ पे लग चुकी थी, ये फोर्थ टाइम था। पर वो बैंडेज करके फिर कॉस्ट्यूम सिलने लगी। तभी मासाची का वहाँ आया। उसने कहा उसे घर चले जाना चाहिए, कल वो सब मिलकर काम कर लेंगे। पर आलिया ने कहा वो कॉस्ट्यूम पूरा करके जाएगी। मासाचिका ने बताया उसने हैंडीक्राफ्ट क्लब वालों से बात करी और वो हेल्प करने के लिए मान गए हैं, और उसने पूरी रात स्कूल में रुकने की परमिशन भी ले ली है। आलिया ने पूछा उसे परमिशन कैसे मिली। उसने बताया स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट मेरी दोस्त है, मैंने उसकी हेल्प ली, और अब क्योंकि हैंडीक्राफ्ट वाले भी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तो तुम्हारा अकेले इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। आलिया कहती है कोई मतलब नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है, अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मैं इसे अच्छा और अट्रैक्टिव बनाना चाहती हूँ, मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम सबको मेरे जितनी परवाह नहीं है, और इसीलिए मैं अपने ऊपर सारा लोड लेकर काम कर रही हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मासाची का कहता है तुम गलत जगह पे एफर्ट डाल रही हो। वो कहते हैं स्कूल फेस्ट अकेले के काम करने के लिए नहीं है, इसमें सबको साथ में मिलकर काम करना होता है। अगर तुम इसे बेस्ट बनाना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरी क्लास मोटिवेट हो, पर मैं तुम्हारे एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज करता हूँ। आलिया घर चली जाती है। अब अगले दिन सब जोश के साथ स्कूल फेस्ट की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर आलिया सरप्राइज हो चुकी थी। और फिर आया स्कूल फेस्ट का दिन। उनका हॉन्टेड हाउस अच्छे से हुआ और उनको बेस्ट अट्रैक्शन का अवार्ड भी मिला। फिर रात में आफ्टर पार्टी में सब फोल्क डांस कर रहे थे, फोक या फोल्क डांस मुझे नहीं पता, जो भी इसे कहते हो। और मासाचिका अकेला स्टेयर्स पे बैठा था। फिर आलिया उसके पास आकर बैठी। मासाचिका ने पूछा तुम्हें डांस नहीं करना, तुम्हारे साथ तो हर कोई डांस करना चाहता होगा। वो पूछता है क्या उसे फोल्क डांस करना नहीं आता। आलिया कहती है मैंने बैले डांस सीखा हुआ है, तो ये सिंपल सा डांस तो मैं आसानी से कर सकती हूँ, पर मैंने सबको ये कहकर मना कर दिया है कि मुझे नहीं आता। मासाचिका कहता है तभी तुम्हें सब आइस प्रिंसेस कहते हैं। आलिया कहती है मुझे प्रिंसेस कहा जाने से गुस्सा आता है, मैं सब लोगों से थोड़े ज्यादा टैलेंट के साथ जन्मी हूँ, पर ऐसा नहीं है मैंने मेहनत नहीं करी, मुझे भी कुछ चीजों में हार्ड टाइम फेस करना पड़ा। मुझे बुरा लगता है जब मेरे एफर्ट्स को मेरे बर्थ की वजह से इग्नोर कर दिया जाता है। मासाचिका कहता है मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। आलिया थैंक्स कहती है क्योंकि वो गलत थी और मासाचिका ने सही कहा था कि अगर वो अकेले ही सब कुछ करने में लगी रहेगी तो वो कभी इस तरह स्कूल फेस्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, और उस दिन उसने गुस्से से बात करी थी इसीलिए वो उससे सॉरी भी कहती है। मासाचिका कहता है मैंने तो बस थोड़ा सा पेपर वर्क किया, तुम्हारे कंपैरिजन में तो ये आधा काम भी नहीं था। आलिया कहती है पर मैंने तुमसे गुस्से से बात करी, मुझे बुरा लगा और मैं तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। मासाचिका कहता है रशियन कल्चर में लोग एक दूसरे को निकनेम से बुलाते हैं, वो उसके लिए निकनेम सोच रहा था। आलिया कहती है मेरी फैमिली मुझे आलिया बुलाती है। मासाचिका कहता है तो क्यों ना तुम मुझे तुम्हें निकनेम से बुलाने की परमिशन दो। आलिया कहती है पर इसमें तुम्हारा क्या फायदा। मासाचिका कहता है तुम हमारी क्लास की आइडल हो, सब तुम्हें चाहते हैं, और बस मैं तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुला पाऊंगा, कितना औसम होगा। आलिया मान जाती है। फिर कुछ लड़के आलिया को साथ में डांस करने के लिए इनवाइट करते हैं। आलिया कहती है वो डांस नहीं कर सकती, पर लड़के कहते हैं तुम्हें बस म्यूजिक के साथ मूव करना है। तभी मासाचिका आलिया का हाथ पकड़ के उसे ले जाने रखता है और कहता है वो मेरे साथ डांस करने वाली है। उस टाइम पहली बार आलिया को लगा उसका दिल फट जाएगा। मासाचिका कहता है तुमने कहा था तुमने बैले डांस सीखा है, तो फोल्क डांस करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, तो चलो देखते हैं तुम कर सकती हो या नहीं। आलिया ने खुशी से एक्सेप्ट किया था और ये पूरी स्टोरी उसने मारिया को सुनाई थी। अब मारिया कहती है तो इस तरह तुम्हें उससे प्यार हुआ, कितनी प्यारी स्टोरी थी। आलिया कहती है तुम सुन भी रही थी, हम बस दोस्त हैं। मारिया कहती है पर ये तो एक लव स्टोरी लगती है, दोस्ती से लवर्स बनने की स्टोरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और साकुन थे। आलिया कहती है मुझे पता है मासाची का कितना कैपेबल है और मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। मारिया कहती है लड़के जरूरत के टाइम काम आते हैं तो वो हमारी नजरों में शाइन करने लगते हैं, ऐसे ही साकुन था, उसने मुझे डॉग से बचाया था। आलिया कहती है अपनी लव लाइफ की बातें कहीं और जाकर करो। अब अगले दिन मासाचिका स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में यूकी की जगह काम करने जाता है। उसे वहाँ मारिया मिलती है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है मैं स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी हूँ और आलिया की बड़ी बहन हूँ। मासाचिका कहता है आलिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फिर वो कहता है आपको शॉपिंग पे चलने के लिए कोई चाहिए था ना। मारिया कहती है हाँ। वो कहती है मुझे निकनेम से बुलाया करो, और उसका निकनेम माशा था। वो कहती है आलिया का दोस्त मतलब मेरा दोस्त। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके फेस को देखकर शॉक हो जाती है। वो उसका फर्स्ट नेम पूछती है जो कि मासाचिका था। फिर वो हाथ पीछे कर लेती है और सॉरी कहती है। वो कहती है मैं आलिया के फ्रेंड से मिलकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी। फिर वो रशियन में उसे शॉपिंग पे चलने को कहती है। मासाचिका कहते हैं क्या कहा। वो कहती है मैं तो भूल ही गई तुम्हें रशियन नहीं आती, चलो शॉपिंग पे चले। अब वो मासाचिका के साथ शॉपिंग पे जाती है। वहाँ उसे एक टेडी दिखता है जो उसे आलिया की तरह लग रहा था। वो कहती है हम सभी स्टूडेंट काउंसिल की तरह दिखने वाला टेडी ले लेते हैं। मासाचिका कहता है लड़कियों को ये पसंद आएगा पर लड़के अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। पर मारिया फिर भी टेडी ढूंढ रही थी। वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की तरह दिखने वाला टेडी ढूंढ लेती है।
मासा जी का कहता है ये उसकी तरह ही दिख रहा है पर उसे अच्छा नहीं लगेगा। मारिया कहती है ठीक है पर मैं अपने लिए ये आलिया की तरह दिखने वाली किटी पक्का लूंगी। फिर वो दूसरे स्टोर पे टीके ले जाते हैं और मासा जी का उसका सारा सामान पकड़ लेता है। मारिया कहती है तुम आलिया की तरह दिखने वाले किटी के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। वो फोटो खींच रही थी पर मासा जी का उसे नहीं खींचने देता। फिर मारिया अंदर जाकर टी चेक करती है। वो मासा चीका से उसका ओपिनियन पूछती है पर वो कहता है उसे रेड टी के बारे में आइडिया नहीं है और वो मन में कहता है यूकी होती तो कुछ बता सकती थी, उसे मॉम ने बहुत कुछ सिखाया था। पर जब मासा चीका का टाइम आया था तो उसके बचपन में उसके मॉम डैड अलग हो गए थे और क्योंकि यूकी डैड के साथ रह रही थी तो उसने भी डैड के साथ ही रहना चुना था और इसके लिए यूकी ने उससे सॉरी भी कहा था। वो इन बातों को याद करके थोड़ा उदास था। मारिया कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। वो उसके गले लगकर कहती है सब ठीक हो जाएगा। मासा चीका को जाना पहचाना और रिलैक्सिंग फील होता है। तभी उसकी पीठ जलने लगती है क्योंकि मारिया ने टी पकड़ी हुई थी। तभी मारिया के हाथ से टी का कप गिर जाता है और मासा चीका चिल्ला उठता है। अगले सीन में वो वापस स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस आते हैं और मारिया के हाथ में किटी देखकर केनजाकी कहता है ये तुम्हारे हाथ में इतना अमेजिंग क्या है। मारिया कहती है क्यूट है ना। वो कहता है हाँ क्यूट तो है पर तुम इसे यहाँ रखने का तो नहीं सोच रही हो। मारिया पूछती है क्या मैं रख सकती हूँ। वो मना कर देता है और मासा चीका उसे बाकी का सामान दिखाता है। केनजाकी कहता है अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मासा चीका कहता है ये जगह ड्रीम लैंड बन जाती और क्या होता। केनजाकी कहता है तो अब क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहते हो। मासा चीका कहता है नहीं पर मैं बीच बीच में हेल्प करवा दूंगा। मारिया कहती है तो क्या हम तुम्हारा नाम मेंबर लिस्ट में डाल दें। मासा चीका कहता है नहीं और वो केनजाकी से पूछता है वो उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन क्यों करवाना चाहता है। केनजाकी कहता है तुम ज्वाइन क्यों नहीं होना चाहते, सिर्फ हार्ड वर्क से बचना ही रीजन नहीं हो सकता। मासा चीका कहता है क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। केनजाकी कहता है पर जूनियर हाई में एज अ वाइस प्रेसिडेंट तुमने बहुत अच्छे काम किए थे। मासा चीका कहता है नहीं बल्कि उसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ और इस पोजीशन को पाने के लिए मेरे पास कोई बड़ा पर्पस भी नहीं है। केनजाकी कहता है अगर होता भी तो क्या प्रॉब्लम है, मैं प्रेसिडेंट बना ताकि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ उसे पा सकूं। ये तो तुम्हारे मोटिव से भी इम्प्योर है। वो उसे अपनी 9th grade की फोटो दिखाता है। मासा चीका हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। केनजाकी बताता है उस टाइम वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं था और स्कूल भी उसे पसंद नहीं था, पर फिर उसे एक लड़की से प्यार हो गया और आज वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट चिसाकी सारा शीना है। उसके लायक बनने के लिए केनजाकी ने खुद को बदला और इसीलिए वो प्रेसिडेंट भी बना। वो कहता है स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए मोटिव मायने नहीं रखता। मारिया को ही देख लो, वो सिर्फ इसीलिए ज्वाइन हुई क्योंकि चिसाकी ने उसे बोला था। मारिया कहती है ये सच है पर मैं भी ज्वाइन होना चाहती थी। वो कहती है ज्वाइन होने का रीजन मायने नहीं रखता अगर आप अपना काम सही से कर रहे हो, चाहे रीजन दोस्ती हो या प्यार। जब तक आप स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होने की जिम्मेदारियों को निभा रहे हो सब ठीक है। केनजाकी कहता है जब तुम जूनियर हाई में वाइस प्रेसिडेंट थे तो यूके के साथ तुमने बहुत कुछ अचीव किया था, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मासा चीका को याद आता है यूके ने उससे हमेशा उसका साथ देने को कहा था पर मासा चीका ने कहा था वो अगली बार स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत परेशानी वाला काम है और एक्चुअली में उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। वो यूकी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए ही उसका पार्टनर बनता था। केनजाकी कहता है किसी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए ज्वाइन करने में कोई बुरी बात नहीं है, मैं चिसाकी और मारिया हम सब तुम्हारा वेलकम करेंगे, कोई भी तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करेगा। मासा चीका कहता है मैं सोचकर बताता हूँ। फिर वो पूछता है आलिया कहाँ है। केनजाकी बताता है वो बेसबॉल और सॉकर क्लब की लड़ाई छुड़वाने गई है, अभी तक बेसबॉल क्लब ग्राउंड को यूज करता आया है उनके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस के लिए, पर इस ईयर सॉकर क्लब भी रीजनल लीग खेलने वाली है इसीलिए वो चाहते है बेसबॉल क्लब ग्राउंड को छोड़ दे, पर दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। वो बताता है वैसे तो चिसाकी इन लड़ाई को संभाल लिया करती थी पर आज वो कैंडो क्लब के साथ बिजी है तो मैंने आलिया को भेज दिया उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस का मौका समझकर, पर मुझे नहीं लगता ये आसान होगा। मासा चीका चेक करने जाता है कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही। सीन आलिया पे आता है, वो दोनों क्लब के साथ थी और दोनों क्लब पीछे हटने को तैयार नहीं थे, वो एक दूसरे को ग्राउंड छोड़ने को कह रहे थे। आलिया कहती है रिवर बैंक के पास एक और प्रैक्टिस फील्ड है, हम वो यूज कर सकते हैं। सॉकर वाले कहते हैं तो डिसाइड हुआ तुम वहाँ जाओगे। बेसबॉल वाले कहते हैं वहाँ सॉकर फील्ड भी तो है। सॉकर वाले कहते हैं यहाँ की फील्ड ज्यादा अच्छी है और बेसबॉल वालों का भी यही कहना था। सॉकर वाले कहते हैं हमारे क्लब में ज्यादा मेंबर्स हैं तो ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा इसीलिए तुम जाओ, पर बेसबॉल वाले नहीं मान रहे थे और दोनों के बीच बहस हो रही थी। आलिया सबको शांत होने को कह रही थी पर कोई उसकी नहीं सुन रहा था और मासा चीका बाहर था वो सब सुन रहा था। वो कहता है कोई फायदा नहीं होगा, वो नहीं सुनेंगे।
आलिया को अपना वही पुराना दिन याद आता है जब किसी ने उसकी नहीं सुनी थी और उसने सब अकेले करने का डिसाइड किया था। वो मानती है ये उसकी ही गलती है कि कोई उसकी नहीं सुनता, क्योंकि वही सबसे दूरी बनाकर रहती है, किसी से क्लोज नहीं होती, तो ये कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। वो कहती है मेरे जैसे इंसान की कौन ही सुनेगा जो हमेशा खुद को दूसरों से बेटर मानती है और मुँह पे कड़वा सच बोल देती है। मैं हमेशा अकेली होती हूँ, ये मेरी चॉइस है। पर फिर भी वो रोती और रशियन में कहती है प्लीज कोई हेल्प करो। मासाचिका वहाँ से जा रहा था पर ये सुनकर वो रुक जाता है और कहता है इसीलिए तुम हमेशा अकेली होती हो, ऐसे हेल्प मांगती हो कि किसी को समझ ही ना आए। वो उसकी हेल्प करने अंदर जाता है और खुद को स्टूडेंट काउंसिल का जनरल अफेयर ऑफिसर बताता है। बेसबॉल क्लब वाले उसे पहले से ही जानते थे कि वो जूनियर हाई में वाइस प्रेसिडेंट था। मासाचिका कहता है मुझे प्रेसिडेंट से यहाँ के सिचुएशन के बारे में पता चला, तुम स्कूल फील्ड और रिवर बैंक के पास वाली प्रैक्टिस फील्ड को लेकर आर्ग्यू कर रहे हो ना, मेरे पास सॉल्यूशन है। सॉकर क्लब में ज्यादा मेंबर्स है तो वो स्कूल फील्ड यूज करेंगे और बेसबॉल क्लब रिवर बैंक के पास वाली फील्ड पे प्रैक्टिस करेंगे, पर इसके बदले सॉकर क्लब वाले जिनके पास ज्यादा मेंबर्स हैं उन्हें किसी को बेसबॉल क्लब को सपोर्ट करने के लिए भेजना होगा। पर सॉकर क्लब वाले नहीं मानते और बेसबॉल वाले भी रिवर बैंक फील्ड में नहीं जाना चाहते थे। उनके बीच फिर बहस होने लगती है और मासाचिका सॉकर क्लब की सीनियर मैनेजर को घूरने लगता है और फिर मैनेजर कहती है हम बेसबॉल क्लब को सपोर्ट करने चले जाएंगे। बेसबॉल वाले लड़कियों के वहाँ होने से मान जाते हैं और इस तरह उनका ये डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है। अब जाते हुए मासाचिका आलिया से सॉरी कहता है क्योंकि वो उसके काम के बीच आया तो आलिया को शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, पर आलिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है और वो पूछती है तुमने ऐसी शर्त क्यों रखी, ऐसा लग रहा था तुम्हें पहले से ही पता था कि मैनेजर हाँ कहेगी। मासाचिका कहते हैं इम्प्रेसिव, तुमने नोटिस कर लिया था। आलिया कहती है ऑफ कोर्स, जब क्लब वालों के बीच बहस हो रही थी तब तुम मैनेजर को घूर रहे थे। मासाचिका बताता है वो मैनेजर बेसबॉल क्लब के कैप्टन की गर्लफ्रेंड है, तुमने नोटिस किया होगा पूरे डिसीजन में बेसबॉल क्लब का कैप्टन चुप था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता थी। दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड को ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि सॉकर क्लब वाले बेमतलब में बहस कर रहे थे, इसीलिए मुझे पता था वो मान जाएगी। वो कहता है बेसबॉल क्लब लड़कियों के वहाँ होने से खुश है और सॉकर क्लब वाले स्कूल फील्ड पे पूरा कंट्रोल पाकर खुश है और कपल भी खुश है क्योंकि उनके बीच अब क्लब का बैरियर नहीं होगा, वो प्रैक्टिस के दौरान भी डेट पे जा पाएंगे, तो ये विन विन सिचुएशन है। फिर उन्हें केनजाकी मिलता है। मासाचिका कहता है ये तुम्हारा ही प्लान था ना। केनजाकी कहता है तुम समझ गए हो तो बताओ क्या सोचा है। मासाचिका कहता है हाँ मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करूंगा। केनजाकी उसे ऑफिस में फॉर्म फिल करवाने ले जाता है पर टाइम ज्यादा हो गया था तो वो पेपर वर्क कल करेंगे। अब आलिया और वो साथ में घर जा रहे थे और आलिया पूछती है क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर रहे हो। वो हाँ कहता है। आलिया पूछती है तो क्या तुम यूके के पार्टनर बनकर उसे प्रेसिडेंट बनने के लिए सपोर्ट करोगे। मासाचिका कहता है अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम प्रेसिडेंट बनने से गिवअप कर दोगी। आलिया कहती है अगर तुम मेरे अपोनेंट हो तब भी मैं खड़ी रहूंगी, मैं कभी गिवअप नहीं करूंगी। मासाचिका कहता है मुझे पता था तुम हमेशा से ऐसी हो, हिम्मत करके आगे बढ़ती जाती हो। वो कहता है मैं प्रेसिडेंट बनने में तुम्हारा साथ दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम ही प्रेसिडेंट बनो, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा, अब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो प्लीज चुपचाप मेरा हाथ थाम लो। आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो आंसू पोंछकर उसका हाथ थाम लेती है और थैंक्स कहकर रशियन में आई लाइक यू कहती है। मासाचिका की हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की याद आ जाती है और वो स्माइल करने लगता है। तभी आलिया उसके हाथ को दबाने लगती है, वो कहती है तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे थे ना। मासाचिका कहता है तुम्हें कैसे पता। वो कहती है क्या तुम यूकी के बारे में सोच रहे थे। मासाचिका मना कर देता है। आलिया फिर उसका हाथ दबाती है, वो कहता है दर्द हो रहा है। आलिया कहती है माफी चाहिए तो चाटा खाओ, वो उसे जोरदार चाटा मारती है। मासाचिका गिर जाता है, फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और दोनों साथ में घर जाते हैं। मासाचिका कहता है ये पहली बार है जब किसी लड़की ने मुझे चाटा मारा, एज अ मैन मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया है। आलिया कहती है जब तुम गिरे थे तो तुम्हारे सर पे चोट लगी थी क्या। मासाचिका कहता है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आलिया कहती है सही कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग अभी थोड़ी ना खराब हुआ है, ये तो शुरुआत से ही खराब था। मासाचिका कहता है तुम एक जीनियस को ये कह रही हो जिसे कभी प्रोडिजी कहा जाता था, पर आलिया को बिलीव नहीं होता। अब वो आलिया के घर के नीचे थे और आलिया पूछती है तुम्हारा गाल कैसा है, कोल्ड कंप्रेसर चाहिए क्या। मासाचिका कहता है नहीं जरूरत नहीं है, मुझे मेरा लेफ्ट गाल फील ही नहीं हो रहा है। आलिया कहते है तो तुम ठीक नहीं हो। वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, बस थोड़ी देर के लिए सुन हो गया था। आलिया उसके लेफ्ट गाल पे किस करती है। मासाचिका हैरान हो जाता है, वो कहती है गाल पे ही तो किस किया है, इतना क्या सोच रहे हो। फिर वो बाय करके चली जाती है। अब रात में वो ये सोचकर एम्बैरेस हो रही थी कि उसने रशियन में मासाचिका को आई लाइक यू कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या वो सच में उसे लाइक करती है। वो कहती है नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं बस वहाँ के एटमोसफेयर में बह गई थी।
फिर वो सोचती है चलो मान लेते हैं कि ये सच है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, पर अभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर वो सोचती है अगर मैं मासा चीका को कन्फेस करूँ तो वो कहेगा नहीं सपोर्ट करने से मेरा ये मतलब नहीं था, और ये सोचकर वो कहती है मैं भी तुम्हें लाइक नहीं करती। तभी मारिया घर आती है। आलिया कहती है कुछ हुआ है क्या? वो कहती है हाँ मुझे तुम्हारी जैसी किटी मिली। आलिया कहती है तुम्हें ये मेरी जैसी कैसे लग रही है? वो कहती है आंखों से। आलिया कहती है नहीं ये बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। मारिया कहती है मैं मासा चीका से मिली, वो अच्छा लड़का है, अब मुझे समझ आ रहा है तुम्हें वो क्यों पसंद है। आलिया कहती है मैंने कहा ना मैं उसे लाइक नहीं करती। मारिया कहती है झूठ बोलते हुए भी तुम क्यूट लगती हो, पर अगर तुम उसे लाइक करती हो तो तुम्हें जितना जल्दी हो सके उसे बता देना चाहिए, कहीं कोई और उसे छीन के ना ले जाए। आलिया सोचती है इसका क्या मतलब था, और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।